नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। महाराष्ट्र के नागपुर से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा सलूक किया गया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। घरेलू काम के लिए बच्ची को बेंगलुरु से खरीद कर लाए आरोपी परिवार ने बच्ची पर सितम की हदें पार कर दी। परिवार उस बच्ची से घर का सारा काम करवाता था और छोटी सी गलती पर उसे डांटा था। धीरे धीरे बच्ची पर परिवार ने जुल्म बढ़ाए, फिर वो इस बच्ची को अमानवीय यातनाएं देने लगे। कभी बच्ची की पीठ को गर्म तवे से दाग दिया जाता तो कभी गर्म चाकू से वार किया जाता। यही नहीं, जलती हुई सिगरेट भी उसके शरीर पर लगा दी जाती। नागपुर के हुटकेश्वर थाना क्षेत्र के अथर्व नगरी सोसाइटी में बच्ची को खरीद कर एक परिवार लेकर आया था। घरेलू काम के लिए लाई गई बच्ची पर परिवार के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। अभी लगभग 4 दिनों से आरोपी परिवार बेंगलुरु चला गया है और वो बच्ची को घर में ही बंद कर गया। बिजली का बिल नहीं भरा होने की वजह से घर की लाइट काट दी गई तो बच्ची ने घर के बाहर आवाज लगाई। इसके बाद पड़ोसी बच्ची के पास पहुंचे तो उसने पूरी आप बीती सुनाई। बच्ची ने बताया कि वो काफी दिनों से घर में बंद है, जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास आया और अब इस पर कार्रवाई जारी कर दी गई है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे पंजाब केसरी।